नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आप सभी के डिमांड पे आप सब लोग बोल रहे थे कि सर पीजीटी का भी एक बार क्लियर कर दीजिए वीडियो बना के, क्या एलिजिबिलिटी है, एजेस क्या है, सैलरी क्या है और सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तैयारी कैसे आप करेंगे, उन सब के बारे में भी मैं डिस्कस कर दूंगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों तक शेयर करिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि पीजीटी जो अगर हम बात करें एमआरएस की वैकेंसी में सबसे ज़्यादा पोस्ट है पीजीटी का, तो इसमें सब्जेक्ट भी अगर हम बात करें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी ऑलमोस्ट 200-150 के अप्रॉक्स में सभी सब्जेक्ट से, कुछ जो आपके मेन जो सब्जेक्ट हैं उनमें ऐसे ही कुछ वैकेंसी हैं और जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनमें थोड़ा कम भी है। तो क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, बच्चों के अंदर बहुत कंफ्यूजन है, खासकर जो हिंदी वाले हैं, ठीक है, कि हिंदी वाले जो पीजी किए हैं उनके लिए क्या संस्कृत की अनिवार्यता है कि नहीं है, तो उन सब का कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई प्रश्न आपका बचा है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। इससे पहले चलने से पहले कि जो लोग ईएमआरएस की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी में जो आपका पहला पार्ट है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, बाकी आपका जो पांचवा पार्ट है वो आपका सब्जेक्ट है, तो यहां पे जो भी आपका पार्ट है वो सभी आप यहां से परीक्षा प्लस ऐप से तैयार कर सकते हैं। पूरा लैंग्वेज भी आपको दिया जाएगा, प्रिपेयर कराया जाएगा। तो ये मात्र 699 में 699 रुपए में आपको सब्जेक्ट के अलावा जो आपका सब्जेक्ट है, जो और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अलावा जो चीजें हैं जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ्स, ये सब, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज जो है, ये सब आपका कवर कराया जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट नहीं रहेगा। जो ये पार्ट पढ़ना चाहते हैं आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें, कहां से, प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें और वहां से आप अपना कोर्स में रजिस्टर हो सकते हैं। मंडे से आपकी क्लासेस प्रॉपर हो जाएंगी इसकी। जो लोग जेएसए की तैयारी करना चाहते हैं वो जेएसए के भी कर सकते हैं, सेम है आपका 699 का, ये भी है 592 प्लस जीएसटी है आपका, तो ये 699 का ये भी बैच आपका पड़ेगा जो जेएसए की तैयारी करना चाहते हैं। अब आते हैं हम लोग ये पीजीटी में 2266 पोस्ट आपका है ओवरऑल, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा यहां से ब्राइटनेस कम भी कर देता हूं, ठीक है, 2266 पोस्ट है। लेवल 8 की सैलरी अच्छी खासी है 47,600 सिर्फ आपका बेसिक बनेगा, इस पे 42% डीए जोड़ लो, फिर एचआरए जोड़ लो, ये सब आप अलाउंसेस मिला के 62 से 65K की सैलरी आप उठाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 62,000 से 65,000 की सैलरी आप उठाओगे मंथली, अच्छा खासा इसमें आपका इनकम है। बात करें एजेस की तो यहां पे अपर एज जो लिमिट है वो 40 साल आपकी दी गई है। एससी एसटी और ओबीसी, यहां फीमेल वाली पूछती हैं सर फीमेल के लिए कोई रिलैक्सेशन है, हाँ फीमेल के लिए सिर्फ पीजीटी में, किसमें, सिर्फ पीजीटी में रिलैक्सेशन आपका दिया गया है, पीजीटी में 10 साल का रिलैक्सेशन आपका फीमेल को मिला है, यह ध्यान रखिएगा, बाकी पोस्ट के लिए नहीं है। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तभी आपको फीमेल को 10 साल का रिलैक्सेशन है, बाकी एससी एसटी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा पीएच कैंडिडेट को क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉय हैं उनको क्या है, और जो पहले से ईएमआरएस के इंप्लॉय हैं उनका अपर एज लिमिट 55 साल है, यह ध्यान रखिएगा आप सभी। अब हम बात करें कि किसमें क्या एजुकेशन चाहिए, तो एजुकेशन की अगर बात किया जाए तो यह आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, मैं जूम कर दे रहा हूं कि अगर आपको पीजीटी, यहां बोला पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो यहां सिर्फ आपसे कहा है कि आपका पीजी होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, कोई भी परसेंटेज की बात नहीं कहा है, ध्यान दे दिएगा, कहीं भी 50% या कुछ ऐसा नहीं बोला गया है यहां पर कि होना चाहिए। इंग्लिश का है तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिंदी है तो हिंदी में, हिंदी के साथ कोई भी यहां पर ऐसा नहीं है, कंपल्सन नहीं लगाया है कि हिंदी के साथ ग्रेजुएशन में अगर आपका संस्कृत रहा है तभी आप हिंदी से भर सकते हैं। तो जो लोग एमए एक तरह से बोला जाए हिंदी किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उनका संस्कृत विषय नहीं रहा है तभी भी, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा बोला नहीं गया।
पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो अगर आपने फिजिक्स की फिजिक्स से किया है मास्टर, केमिस्ट्री से मास्टर किया तो आप अप्लाई कर सकते हो, मैथमेटिक्स से किया है मास्टर की डिग्री, एमएससी किया है मैथमेटिक्स से तो आप अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी बायोलॉजी में कौन कौन भर सकता है? जो मास्टर बॉटनी में किया होगा, जूलॉजी में किया होगा और बायोलॉजी में किया होगा, ये तीनों लोग बायोलॉजी के पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने एमएससी बॉटनी से, जूलॉजी से या बायोलॉजी, तीनों में से किसी से किया है तो वो बायोलॉजी का टीचर बन सकता है। पीजीटी हिस्ट्री से अगर आपने किया है तो आप हिस्ट्री के टीचर बनोगे, ज्योग्राफी से किया है तो ज्योग्राफी के बनेंगे। लेकिन जो अगर कॉमर्स आपने एमकॉम किया है, अगर एमकॉम में आपने अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंस अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ का स्टडी रहा है होल्डर ऑफ ए डिग्री, एमकॉम इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। बोला है कॉमर्स विथ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ठीक है, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। सिर्फ यही अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आपका मेजर सब्जेक्ट रहा है एमकॉम में, इनमें से कोई भी इससे के थ्रू आपने मास्टर किया है तो आप एलिजिबल हो। अगर आप अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स से आपने किया है तो आप कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी रीजनल लैंग्वेज के लिए रीजनल और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आपका जो मास्टर होना चाहिए वो इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, ठीक है। किसी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हिंदी के लिए, जो आप लोग पूछ रहे हैं तो हिंदी के लिए कोई रूल नहीं लगा है और 50% का भी कोई रूल आप यहां नहीं देख रहे हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी में आप कहीं 50% का रूल देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ठीक है। साफ साफ बोला है मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट मेंशन अबव, मतलब इसके अलावा अगर आपके पास कोई मास्टर डिग्री है जो ऊपर दिया गया है वो आप कंसिडर नहीं किए जाओगे किसी पोस्ट के लिए, ये ध्यान रखिएगा, यही डिग्री होना चाहिए। उसके बाद से बोला गया है कि कैंडिडेट प्रोसेसिंग ए मास्टर डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट एज मेंशन अबव विल ओनली बी कंसीडर एज एलिजिबल। अगर उसी सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर किया है, स्पेशलाइज्ड है, तभी उनको एलिजिबल माना जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो आपका यहां पे एक क्वालिफिकेशन लगा दिया गया है, देखना, ये पॉइंट ए है आपका और पॉइंट बी जो है आपका वो कहा गया है कि बीएड डिग्री होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो अब जो लोग कह रहे हैं कि सर मेरे पास पीजी है लेकिन बीएड नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। पीजी के साथ, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड चाहिए, किसके लिए? पीजीटी के लिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और जो पोस्ट हैं, आप लोग ऐसे उल्टा सीधा करते रहते हो कि पॉलिटिकल साइंस कर सक, जब पॉलिटिकल साइंस का है ही नहीं पोस्ट तो कहां से कर सकते हो पीजीटी के टीचर, किसमें भर दोगे भाई जब पोस्ट ही नहीं है आपका? तो जो यहां बताया गया है बस उसी के आप भर सकते हो, उसी के पीजीटी टीचर बन सकते हो, इसके अलावा नहीं बन सकते हो, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर साइंस में क्या है, जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है उनके लिए एमएससी आपका कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या एमसीए आपका होना चाहिए, ठीक है, या आपका एमई हो या एमटेक हो, वो भी किसमें? कंप्यूटर साइंस या आईटी में। बीएड इसमें जरूरी नहीं है, इसमें बीएड आपको जरूरी नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। इसमें भी एज लिमिट वही है 40, बाकी एससी एसटी ओबीसी वही रहेगा। फीमेल के लिए एक्स्ट्रा आपका क्या है, 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है। अब आपके हम बात करें कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा पीजीटी का, तो 130 मार्क का होगा और इसमें जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, ठीक है, 20 मार्क्स का है। मतलब ये आपका क्या है, लैंग्वेज का टेस्ट है जो क्वालिफाई होगा, क्या होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा। बाकी 130 मार्क्स का आपका पेपर मेन होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर का सिलेबस मैंने इससे पहले डिस्कस किया है, कंप्यूटर का सिलेबस वही रहेगा जो हर एग्जाम में इसके है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा जिसको भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पढ़ना है तो ये सब चीजें, और साथ साथ आपको ये भी पढ़ा दिया जाएगा, लैंग्वेज फ्री में दे देंगे हम आपको, ठीक है। जिनको भी ये पार्ट पढ़ना है और ये पार्ट पढ़ना है, बस आपको, आप अपने मन से ये पार्ट पढ़ ले रहे हैं तो ये हम आपको तैयार करा देंगे मात्र 699 रुपए में, ठीक है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन है, तो ये चीजें आपको 10 मार्क 20 मार्क 10 मार्क टोटल। यहां पे जो आपका सब्जेक्ट होगा वो सिर्फ 70 मार्क्स का होगा। यहां पे आपका एनईएसटीएस वेबसाइट देखो, यहां क्या बोला है कि पेडागॉजी के 5 प्रश्न होंगे और एनईपी के 5 प्रश्न होंगे,
10 प्रश्न ये है, सब्जेक्ट आपका बस 70 नंबर आएगा, ठीक है। बाकी आपके जो हैं 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60 नंबर आपके जो हैं, 60 नंबर आपका बिना सब्जेक्ट का है और 70 नंबर आपका सब्जेक्ट का है, तो दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट सेम है। और जो ये लैंग्वेज है ना, हिंदी के 10 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। बोला है ना कि जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, तो 10-10 क्वेश्चन रहेंगे और ये क्वालिफाई रहेगा, मतलब 40% नंबर आपको लाना जरूरी रहेगा। 20 नंबर का 40% नंबर लाना आपको जरूरी है, बस क्वालिफाइंग है। मेन पेपर आपका 130 होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। बच्चे पूछते सर इंटरव्यू है क्या, इंटरव्यू नहीं है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा, पीजीटी में इंटरव्यू नहीं है आपका, ठीक है। हाँ, निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग 0.25 का है, एक क्वेश्चन एक मार्क का है और जो निगेटिव है 0.25 का है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए जो आपका जनरल चीजों के लिए आपका सिलेबस है वो मैं बता दूं रहा हूं, जैसे जनरल अवेयरनेस आपका आएगा, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी आपका, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशियंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आपका ब्लड रिलेशन रहेगा, इनइक्वालिटी रहेगा, एसर्शन रीजन, वेन डायग्राम, सीक्वेंस और सीरीज, मतलब जो और भी पोस्टें निकली हैं इसके साथ, उसमें जो रीजनिंग का सिलेबस है सेम सिलेबस आपको भी दिक्कत किया है, तो आपका सिलेबस कुछ कम नहीं किया है। कंप्यूटर में भी सिलेबस आपका वही है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, शॉर्टकट की, एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, 10 क्वेश्चन के लिए पूरा 30 क्वेश्चन का सिलेबस आपको दे दिया है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो, टीचिंग का नेचर क्या होगा पढ़ाने का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी आपके, ऑब्जेक्टिव और बेसिक्स रिक्वायरमेंट क्या होगा, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती, जो लर्नर होता है उसके फीचर्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या अफेक्ट करता है, ठीक है, टीचिंग में कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, मेथड क्या होना चाहिए टीचिंग का, ये सब आपको पता चल जाएगा। टीचिंग एड्स एंड इवोल्यूशन सिस्टम, कैसे आपका इवोल्यूशन, जैसे सीसीई है, मूल्यांकन कैसे करना है, ये सब आपको इसी में से 10 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। बाकी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी आएगी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आपके 5 क्वेश्चन इससे और 5 क्वेश्चन इससे आएगा। तो ये आपका जनरल चीजें हैं, ये भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। बाकी अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो ये आपका क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाइंग में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप इन्हीं में से करके थोड़ा मोड़ा वोकैब्स कर लोगे ना, जो सुबह सुबह इंग्लिश की वोकैब्स की क्लास चलती है उसे आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद से आप क्या कर लो, ग्रामर में इडियम्स फ्रेजेस पढ़ लो, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ लो और कंप्रिहेंशन आप कर ले जाओगे तो आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा, इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हिंदी और आसान है, संधि समास विलोम शब्द पर्यायवाची, यही और पोस्ट के लिए मार्क्स है, उसमें मार्क्स जुड़ रहा है लेकिन इसके लिए क्वालिफाई कर दिया गया है, तो विलोम शब्द पर्यायवाची, अशुद्धि, मोहरे, लोकंतिया और गद्यांश, ये कर लोगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर अब हम बात करें कि आपके सिलेबस का है, तो जिसको सिलेबस नहीं मिल रहा है, कुछ बच्चे परेशान है कि सर मुझे सिलेबस नहीं मिल रहा है, तो आप सिलेबस जो है ईएमआरएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि आपका सिलेबस कैसा है, ये जो सिलेबस है आप देखोगे सिलेबस के नाम से पीजीटी का है, तो जिस पोस्ट के लिए, जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है खासकर, तो ठीक है, सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आपको दिखा दूं, तो पीजीटी मैथमेटिक्स का देखिए, आपका रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लीनियर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, स्ट्रेट लाइन, मतलब सब कुछ है आपका, ये ध्यान रखिएगा। डिटरमिनेंट है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, इंटीग्रल है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी है, तो जो आपके सब्जेक्ट में होता है बेसिकली जो पीजीटी लेवल का, तो ये लॉज ऑफ मोशन, मैकेनिकल, ये फिजिक्स वालों का है, तो आप ऐसे देख सकते हैं, जो भी आपका सिलेबस होगा आप सिलेबस वाली बुकलेट से, केमिस्ट्री का ये पूरा सिलेबस है। हिंदी वाला आप जब सिलेबस देखोगे तो हिंदी में कहीं संस्कृत का पार्ट पीजीटी में नहीं दिया, इसीलिए आप जो लोग संस्कृत नहीं लिए थे ग्रेजुएशन में, निश्चिंत रहिए आप पीजीटी हिंदी डाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, तो आप ये सिलेबस देख सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समस्या जो भी होगी उसका समाधान किया जाए। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं अपने पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और लैंग्वेज की, वो परीक्षा प्लस टीम से जुड़ सकते हैं। परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए, वहां कोर्सेज में जाइए, आपको साफ साफ दिखेगा पीजीटी, ईएमआरएस,
पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, वहां से आप परचेस कर लीजिए कोर्सेस। आपका क्लासेस जो है मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप जरूर बताइएगा, पूरी कोशिश किया जाएगा कि समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।